Assalamualaikum, welcome back to new video. I hope आप लोग ठीक होंगे और सभी अच्छे से होंगे। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमें भी दुआ में याद किया करो। तो हाँ जी गाइस, आज है फ्राइडे एंड मेरे को काम पे नहीं जाना है। आज सबसे पहले हम नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल, जो कि आपको पिछले दो तीन वीडियोज में पता ही होगा, फेस के ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ने और वैसे देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है, उसके बाद जाते हैं सीधे हॉस्पिटल। एंड मेरे दिमाग में आज ख्याल आया कि हम कुछ रेसिपी बनाएंगे स्पेशल इफ्तारी के लिए, ठीक है। वैसे बढ़िया मजा आता है इफ्तारी में। तो एंड सबसे पहले जाते हैं नमाज पढ़ने। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट जल्दी से कर दो। और 6K में कुछ ही कम है तो 6K जल्दी से कर दो। भाई हूँ मैं आपका, तो 6K जल्दी से कर दो अपने भाई के, एंड 10K तक जल्दी जल्दी से पहुंचा दो। तो जाते हैं नमाज पढ़ने और देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो हाँ जी गाइस, आज मेरे साथ ऐसा मसला हो गया ना, जब से रमजान आया है ना तब से आज तक ऐसा मसला हुआ ही नहीं। एक तो आज थी फ्राइडे, मैं सुबह गया ना नमाज पढ़ने, वहाँ से मैं वापस ही आया तो इतनी उल्टियाँ स्टार्ट हो गई अचानक से रोड पे ही, आते आते खुद पता नहीं चला। जो बेचारे मस्जिद वाले थे ना वो परेशान हो गई, इसको हो गया कसम से। मैं मेरे को उल्टियाँ भी आ रही है और मैं हंस भी रहा हूँ कि अचानक से क्या हो गया। जब मैंने वजू किया उस टाइम मुझे लगा थोड़ा सा कि उल्टी जैसी लगी मुझे, लेकिन जब नमाज तक मैंने बर्दाश्त किया, जैसे ही नमाज खत्म हो गई तो उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। तब से लेके अब तक मैं सो रहा हूँ और मुझे लगा था कि मेरा रोज़ा भी टूट गया, लेकिन मम्मी ने कहा कि रोज़े से उल्टी से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि ये जिस्म की होती है जो ही वापस आ जाती, तो इस वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन उस टाइम तो मेरे को एनजाइटी भी थी, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे मत किसी ने पानी वानी पिलाया। लेकिन तब से लेके अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है और अभी टाइम आ चुका है 4:45, 4:45 मेरी आंखें खुल रही है और अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया। मेरे को याद आया कि भाई ब्लॉग तो ऐसे ही रह गया कसम से ब्लॉग तो ऐसे ही रह गए थे। आज इतना अच्छा दिन था पर ब्लॉग नहीं कर पाया मैं, ना मैं हॉस्पिटल गया ना मैं कहीं गया, दिन भर मैं सो रहा था। मम्मा ने भी कुछ नहीं किया, उसने बोला कि मैंने सोचा कि सो आप तुम दिन भर, जब मुझे लगेगा मैं तुम्हें जगाऊँ। मैंने मम्मा को बोला नहीं आपका ऐसा करना ही नहीं था, आपको जगाना था क्योंकि ब्लॉग करना था मेरे को, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं मुंह धो लेता हूँ एंड उसके बाद मैं कहीं बाहर जाता हूँ, देखते कुछ सामान मत ला पाते हैं इफ्तारी के लिए। अगर ला पाया तो ठीक है, अगर नहीं तो भी आप वो भी आप देखोगे, ठीक है। तो पहले मुंह धो लेते हो, थोड़ी सी एनर्जी वापस आ जाएगी। तो मतलब देखो गाइस, दिख रहा होगा मुझे रोना खुद आ रहा है कसम से, मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ ना। अभी पिछले 10 मिनट में मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाज़ार जाऊँ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है मुझ में कसम से, बिल्कुल भी नहीं। बीमार मैं आज बहुत ही ज़्यादा हूँ, सर भी दुख रहा है, क्या कर सकते हैं, ब्लॉग को करना पड़ेगा किसी भी हाल में। अस्सलाम वालेकुम, लांका खरबूजा कुछ तो हाँ जी गाइस, मैं जल्दी जल्दी आया बाजार से, जो भी मुझे लाना था मैंने वो जल्दी में लाया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ और सीधा घर आता हूँ। एंड फाइनली मैं घर आया, इफ्तार में बचे अभी 2-3 मिनट। अभी मैंने तरबूजा लाया, पानी वानी बिल्कुल नहीं पिएंगे क्योंकि हालात वैसी नहीं है, पानी पी तरबूजा काटेंगे और इफ्तारी भी तब तक करेंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा नमाज पढ़ने, ठीक है। सबसे पहले काटते हैं तरबूजा, तो ये पे है। मैंने सोचा कि अगर मैं फिर से पानी पीऊँगा बाबरे त्रेश, जिसे हम बोलते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता उसे अभी क्या बोलते, लेकिन मैं वो देखूँगा उसे क्या बोलते हैं उर्दू में। तो मैंने सोचा कि अगर वो पियेंगे उससे और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएगी।
तो हाँ जी ये तो हो गया ठीक है। तो हाँ जी गाइस ये भी हो गया, अभी बचे 2 मिनट इफ्तार में, 2 मिनट वेट करते हैं ठीक है, उसके बाद करते हैं इफ्तार। ला इफ्तार हो गया, अभी पहले इफ्तार ही करते हैं उसके बाद जाते हैं नमाज पढ़ने। बहुत ही अच्छा है, दुकानदार ने सही बोला था। खरबूजू खांड यू सच में चीनी जैसा है। बाकी उनके लिए रखते हैं, मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने ठीक है। नमाज पढ़ के आते हैं और देखते हैं। तो हाँ जी गाइस फाइनली नमाज भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैं घर भी आया और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने जो गोश्त लाया वो मैं खुद के लिए बनाता हूँ, एंड ट्राई करते हैं कैसा बनता है वो, आपको भी दिखाते हैं और उसी के साथ साथ ब्लॉग भी एंड करते हैं ठीक है। आज के ब्लॉग में प्लीज़ 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 एडजस्ट करना और बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि मेरी हालत अचानक से ख़राब हो गई थी, मुझे अभी ये भी नहीं पता कि ब्लॉग कैसा बना है, लेकिन उम्मीद ये है कि मैंने जितना भी बनाया होगा वो ठीक ठाक बना होगा। तो गोश्त को देखते हैं क्या कुछ रहता है, गोश्त का मीट लाई है मैंने, एंड उसका देखते हैं क्या कुछ रहता है, वो आपको भी दिखाएंगे, खाना खाएंगे एंड देखेंगे क्या क्या रहेगा। सबसे पहले ये रहा गोश्त ठीक है, इसको वॉश करते हैं पहले ठीक है, डालते हैं हो गया जी ये भी ठीक है। तो अभी ये डालते हैं इसमें जल्दी जल्दी से, जल्दी करते हैं क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गया। हो गया जी ये भी ठीक है, भी गैस पे रखते हैं, मैं छोटे गैस पे ही रखूंगा ये, जल्दी से उस पर जल्दी हो जाएगा। ये रखते हैं इस पे जल्दी जल्दी से, जल्दी 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 इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, इसी पे जल्दी होगा इसको, वरना रात लग जाएगी और फिर मुझे डांट पड़ेगी। एंड यहाँ पे मुझे अभी नज़र पड़ी कि हमने कल रात को साग बनाया था घर पे, तो अब उसमें तेल कुछ ज़्यादा था, मुझे नहीं पता था, अब वो मैं साग बाहर निकालूंगा, उसमें वो डालेंगे मीट में, जो तेल है वो ऐसे ही रखेंगे। मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, ये है मेरे पास ही देख लो, ओह ओह बड़ा ही ज़बरदस्त वाला साग, बड़ा ही ज़बरदस्त वाला साग था। रुको जी रुको रुको मैं दिखाता हूँ, है ना, ये तो बढ़िया था, ये तो बढ़िया था, लेकिन इसका जो ये है ना इसमें तेल बहुत ज़्यादा है, एंड यहाँ से मैंने मीट में भी तेल डाला, ये गड़बड़ हो जाएगी, तो इसमें से साग बाहर निकालते और तेल जो है इसमें बाकी का मसाला वसाले वो ऐसे ही रखते हैं ठीक है, खाली साग थोड़ा सा बाहर निकले, उससे क्या होगा मीट थोड़ा सा टेस्टी होगा। तो लेट्स ट्राई, नया नया बनाने के कुछ तरीके अलग अलग, नया नया बनाने के अलग अलग तरीके। तो जी ये डालते हैं इसमें, ओहो ये तो पहली, मुझे लगता है बहुत ज्यादा तेल है इसमें,
जब मैंने सहरी के टाइम खाया ना, ओहो हो क्या मजेदार था। ओह मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में। चलो जी ये भी हो गया, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा बचा है, इसको जाने देते हैं और इससे काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो अभी देखते हैं मीट को क्या हो गया, एंड ये डालते इसमें और थोड़े थोड़े से मसाले, के हल्के मसाले डालते हैं क्योंकि पहले से स्टॉमक की बैंड बच चुकी है, हम तो थोड़े थोड़े मसाले डालते हैं और देखते क्या रहता है। तो जी गाइज ये रहे मसाले, थोड़े थोड़े से डालते हैं हल्का हल्का सा क्योंकि पहले से साग में बहुत है। क्या लगता है? बस हो गया, एंड थोड़ी सी हेल्दी 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 जाती हूं मैं जल्दी। पांच चम्मच मिर्ची, चार चम्मच हल्दी, ठीक है। आप लोग बोलो कमेंट बॉक्स में मैंने ठीक डाला। अगर कोई लड़की देख रही है या अगर किसी लड़के को आती है सब्जी, वैसे मेरे ख्याल से ना आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़कों की रेसिपी बनानी आती है, ये बात मैंने यूट्यूब से ही सीखी है कसम से। तो ले अब थोड़ा सा पानी डालते इसमें, ये हो गया रेडी। थोड़ा सा मिक्स एंड थोड़ा सा पानी डालते इसमें, हो गया। तो हाँ जी गाइस, आप लोग भी ऐसे ही देख रहे हो, असल चीज तो मैं भूल ही गया था। अब मुझे मम्मी ने बोला कि इसमें नमक डालना है, आप लोग भी ऐसे ही देख रहे हो, बता भी नहीं रहे हो मुझे। आप कैसी यूट्यूब फैमिली हो, मेरी बेइज्जती हो जाती शाम को मेरी अगर नमक के अगर सब्जी होती तो। नमक इसमें डालते असल शोभा जिससे इसको है। देखो नुनचाय में नमक जरूरी है, खाने में नमक जरूरी है, तब कोई भी मसाला टेस्ट नहीं आता है नमक के बगैर, बात सही है ना। नमक डालते हैं, पानी डालते हैं एंड ये तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है 1 बजे तक तो ये तैयार होगा, रात के 1 बजे नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि घर वाले भी रोज़ा है, मैं भी रोज़ा हूँ एंड बीमार भी हूँ। ऊपर से घर वाले कहते हैं कि व्लॉग के टाइम तुम्हें हैकत आ जाती है, काम के टाइम तुम बीमार होते हैं। लेकिन क्या करें, घर वालों को कौन समझे, मजबूरी है, व्लॉग कंप्लीट करना पड़ता है। तो हाँ जी गाइज, आज है day 2 एंड अभी जाके मैंने व्लॉग की एडिटिंग ख़त्म की और क्या मस्त वीडियो बना है। एक तो मैं बीमार था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतना अच्छा वीडियो बना होगा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको भाई को सब्सक्राइब करके जाओ एंड वीडियो को लाइक कमेंट कर दो। मिलते हैं किसी अगली से वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।